नमस्कार दोस्तों, ध्रुवा एकेडमी गुरुग्राम में आपका स्वागत है। आज है तारीख 11 नवंबर 2020 और हम करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर की शुरुआत हम थॉट ऑफ द डे से करते हैं। योर बेस्ट डे इज टुडे, यानी कि आपका अगर कोई सबसे बेहतरीन दिन है तो वो है आज का दिन। इसलिए गिव योर बेस्ट, गिव योर 100%, जो करना है आज ही करो। टाइम विल डेफिनेटली चेंज, सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ, जस्ट गिव योर बेस्ट बिकॉज दिस डे इज योर बेस्ट डे। इसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोटोर एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ है? आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, त्रिवंतपुरम, कोट्टायम, ममलापुरम, विदर्भा। आपके पास ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कोटोर एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ है। इसका सही आंसर है त्रिवंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरला में है। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरला के सीएम कौन है फिलहाल? पिनरई विजयन। केरला मालाबार तट पर है। इसकी स्थापना नवंबर 1956 में हुई थी। ये मसालों के लिए ज्यादा फेमस है केरला। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट तट, जो आज के दिन कोच्चि बोला जाता है, यहीं से आए थे। केरला के प्रमुख नृत्य हैं, डांस है, वह कथकली, ये एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरला से है। मोहिनीअट्टम, ये एक फोक डांस है। मलयालम वहां की प्रमुख भाषा है। 96.4% लिटरेसी रेट है वहां का, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित अगर कोई राज्य है तो वो है केरला। केरला में 1,000 पुरुष पर 1,084 महिलाएं हैं, यानी कि महिलाओं की स्थिति वहां और राज्य की अपेक्षा बेहतर है। केरला की दो झीलें प्रमुख हैं, वेमनाथ झील और अष्टमुड़ी झील। ये दोनों वेटलैंड साइट भी हैं, रामसर वेटलैंड साइट भी हैं। ये केरला का प्रमुख त्यौहार है ओनम त्यौहार। ओनम वहां का प्रमुख त्यौहार है। केरला हाई कोर्ट है वहां। कोकोनट, नेचुरल रबर, ब्लैक पेपर और फिशरीज की प्रमुख खेती की जाती है यहाँ पर, और नारियल के मामले में, नेचुरल रबर के मामले में प्रथम स्थान भी है भारत में इसका। ब्लैक पेपर के मामले में भी प्रथम स्थान है केरला का। इसके अलावा संजू सैमसन जो कि क्रिकेटर हैं वो केरला के हैं। पीटी उषा केरला से है। अंजू बॉबी जॉर्ज, ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ये केरला से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले ने एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट इंडिया को टॉप किया है? हमारे पास ऑप्शन है चंदौली, चमोली, मुंदका, राजनगर। इसका सही आंसर है चंदौली। चंदौली उत्तराखंड में है। एस्पायरेशन पहले हमें पता होना चाहिए एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट है क्या। एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग द्वारा बनाया गया है, जिसमें 115 जिलों को निश्चित किया गया है। जो सबसे गरीब थे, जिनकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था सबसे खराब थी, उनके मापदंड किए गए, पता लगाया गया कि स्वास्थ्य में, हेल्थ में उनकी क्या स्थिति है, एजुकेशन में कितने निम्न स्थिति है, स्किल डेवलपमेंट उन्होंने कितना किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खराब है वहां का। इन पैमानों को मद्देनजर रखते हुए ये डिस्ट्रिक्ट चुने गए थे। 115 उनमें चमोली, चंदौली डिस्ट्रिक्ट
उत्तराखंड ने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है, कितनी तारीख से? ऑप्शन है हमारे पास 1 जनवरी 2021, 15 जनवरी 2021, 15 दिसंबर 2020, 15 मार्च 2021। सही आंसर है इसका 1 जनवरी 2021। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन है, यानी कि आप टोल टैक्स भरते हैं कैश कई बार जब आप टोल पर जाते हैं हाईवे पर, लेकिन अगर आपके पास फास्टैग लगा हुआ है तो आपकी पेमेंट डायरेक्ट आपके फास्टैग से कट जाएगी, आपको कैश नहीं देना पड़ेगा। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका ओनर है, फास्टैग यही प्रोड्यूस करवाता है, और फास्टैग के लिए RFID टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है पेमेंट करने के लिए। RFID होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। आइडेंटिफिकेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है, ये सेम उसी टाइप की टेक्नोलॉजी है जो हम मेट्रो कार्ड में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर बेस्ट डे इज टूडे बुक किसने लिखी है? ऑप्शन है हमारे पास अनिल कपूर, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, काजोल। इसका सही आंसर है अनुपम खेर। रसाथी उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन है शशिधरन, शशींद्रन कलिकेले, रोमिला थापर, विद्याधरन। इसका सही उत्तर है शशींद्रन कलिकेले, ये इसका सही उत्तर है। ये उपन्यास ट्रांसजेंडर से संबंधित है, ट्रांसजेंडर की स्थिति के ऊपर यह उपन्यास लिखा गया है। किस भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की सलाहकारी समिति में शामिल किया गया है? ऑप्शन है आनंद त्यागी, अनीता वशिष्ठा, विदिशा मैत्रा, प्रिया गोस्वामी। सही उत्तर है इसका विदिशा मैत्रा, इन्हें राजनयिक सलाहकार नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र का। वर्ल्ड साइंस डे एंड पीस डेवलपमेंट कब मनाया जाता है? 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर। इसका सही उत्तर है 10 नवंबर, वर्ल्ड साइंस डे। और इंडिया में साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फेब को। और वर्ल्ड साइंस डे एंड पीस डेवलपमेंट कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म को टोक्यो फिल्म फेस्टिवल एंट्री मिली है? किस भारतीय फिल्म को टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मिली है, टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में एंट्री? ऑप्शन है गुली बॉय, नटखट, करखी निसाची, वारी आश्रम। इसका सही उत्तर है करखीनी साची वारी, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन दोबारा चाटी पुल का उद्घाटन कहां किया गया है? मोटरेबल का मतलब है जहां जिस पुल पर हम मोटर व्हीकल को भी चला सके, उसकी बात हो रही है। ऑप्शन है हमारे पास दिबांग, लाहौल, टिहरी गढ़वाल, लिपू। टिहरी गढ़वाल इसका सही उत्तर है, और पुल का नाम क्या है? दोबरा चाटी पुल। इस पुल पर टिहरी बांध के ऊपर ही ये पुल बनाया गया है, और इस पर मोटर व्हीकल भी चलाए जा सकते हैं, सबसे लंबा पुल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को आतंकवाद प्रायोजक की सूची से हटा दिया गया है? आतंकवाद प्रायोजक का मतलब है स्टेट स्पॉन्सर, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो आतंकवाद को स्पॉन्सर करते हैं, उन्हें सह देते हैं कि आप करो, हम आपको पैसे देंगे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो इस सूची से ऐसे लोग, ऐसे देशों की सूची में जिन देशों को डाला गया था उनमें से किसको हटा दिया गया है? ऑप्शन हमारे पास लेबनान, नाइजर, सूडान और लीबिया। इसका सही उत्तर है सूडान, सूडान को इस सूची से हटा दिया गया है। सूडान की कैपिटल क्या है? खरातोम।
बसों के लिए अग्नि पहचान एवं निष्कासन प्रणाली किसने विकसित की है? बसों के लिए अग्नि पहचान निष्कासन, मतलब कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी सहायता से 30 सेकंड के अंदर अगर बस में आग लगने की सूचना सेंसर के थ्रू पता चल जाएगी और उसे 60 सेकंड के अंदर बुझा भी दिया जाएगा। ये एक ऐसी प्रणाली है, अग्नि पहचान एवं निष्कासन प्रणाली, किसने विकसित किया है इसे? ऑप्शन है इसरो, CSIR, DRDO, NTPC। सही उत्तर है इसका DRDO। DRDO ने इसे विकसित किया है। DRDO के बारे में हमें पता होना चाहिए। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसे 1958 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। फिलहाल इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पैंक वन रेंस पेंशन को किसने कितने साल हो गए हैं? ऑप्शन है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। इसका सही उत्तर है 5 साल। इसे 2015 में स्थापित किया गया था कि जितने भी एक रैंक में हैं उनकी पेंशन बराबर रहेगी। नेक्स्ट, सॉरी, आज की करंट अफेयर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ध्रुवा एकेडमी चैनल गुरुग्राम। थैंक यू वेरी मच।